26 से पहले एक्सरसाइज वन। ऐसे बीच बीच में से दिए थे क्या? बीच बीच में से? यस सर। अरे तो वो काउंटिंग कहाँ गई यार? कब लास्ट रन पे दिए थे? उसके लास्ट रन पे दिए थे। एक से लेकर दस तक कोई डाउट है? एक्सरसाइज वन, एक से लेकर दस तक, दस से लेकर पंद्रह तक, 26 टिल 26 कोई डाउट है? टिल 25 सॉरी, टिल 25 कोई डाउट है किसी को? टिल 25 कोई डाउट है किसी को? ओके, नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकालो स्टूडेंट्स, नोटबुक निकाल लीजिए। सर आगे भी दिए थे ना सर, 26 से फिर एक्सरसाइज 2 भी थे, ये तो उस दिन ही कहा है 1 to 25। तो अच्छा एक्सरसाइज 2 में कहां से कहां तक दिए थे ये बता दें सर। एक्सरसाइज 1 में पहले आपने 26 वो 25 से 27 और 57 से 60 और एक्सरसाइज 1 में 62 से 65 फिर एक्सरसाइज 2 में 1 to 10। यार ये पता नहीं मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, अभी मैं एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेता हूँ ना। एक्सरसाइज 2 निकाल लो। ओके सर। 1 to 10 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 में डाउट है, 2 3 4 5 5 में एक बच्चे को डाउट है। A particle moving along a straight line with uniform acceleration has velocity 7 and 17 meter per second at the point P and Q. So let this is the point P and this is the point Q. Here the 17 meter per second and here the 7 meter per second. Respectively, if R is the midpoint, R is the midpoint बोल दिया गया है, midpoint का मतलब जो भी ये distance होगी उसका आधा d by 2. Notation को simplify करने के लिए हम इसको SS मान लेते हैं. SS. तो पूछता है कि पहला ऑप्शन द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द आर एंड क्यू इज, आर एंड क्यू इनके बीच का आपको एप्रोक्सीमेट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर बच्चों या तो अपन तरीके से जाएं है ना, नहीं तो आप छोटे मोटे एक फॉर्मूला होता है रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मैं तो कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 2a इनटू 2s, ये वाला मैंने इक्वेशन लिख दिया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब हमको क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी सिंपल सा हो जाएगा, आर क्यू के लिए एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी वो आप बन जाएगी आपके पास एस, और टाइम आप ले सकते हैं। हेलो हेलो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम कौन सी इक्वेशन से निकालोगे बच्चों बोलो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 17 बराबर वी माइनस ए इंटू टी, तो आप लिखेंगे 17 इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को दोबारा लिख देना तो वी स्क्वायर का भी फॉर्मूला आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ए एस का वैल्यू यहां से निकाल के ऊपर की इक्वेशन डालोगे तो वी आ जाएगा, और वी जैसे आएगा तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ए एस अपॉन 17 माइनस वी, ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, बट ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगता है ना, ये फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा, बट एक दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हम लोग लिखते हैं है ना, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों आप लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है, ये अपनी जो थर्ड इक्वेशन होती है डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने कर दिया, इसका पूरे का वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
अपॉन टू ए, ये वाली इक्वेशन यूज कर ली, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो यहां से एस का वैल्यू निकाल लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए, तो एवरेज वेलोसिटी इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए डेल्टा टी, और ए डेल्टा टी, ए डेल्टा टी सभी बच्चों को पता होगा v माइनस यू लिखा जा सकता है, v माइनस यू लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब ऊपर वाले क्या फैक्टराइज कर देना, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, तो v एवरेज का आंसर आपको आ जाएगा v प्लस यू बाई टू। बट ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है बच्चों, इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, कोई डाउट नहीं किसी को, टेंथ में कंफ्यूजन है, बता क्या कंफ्यूजन है टेंथ में, अच्छा टर्म से नहीं समझ पा रहा, अनम्यूट करता हूं बेटा मैं तेरे को, हाँ अब बोलो टेंथ में क्या डाउट है पार्थ, हेलो पार्थ आवाज आ रही है आपको बच्चों, देखिए यहां जो u है ना वो इनिशियल वेलोसिटी का नोटेशन नहीं है, एक्चुअली उन्होंने वेलोसिटी का नोटेशन ले रखा है, कोई बात नहीं वेलोसिटी का नोटेशन ले रखा है। अब ये तो हमें सभी को पता है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हमेशा छोटा या बराबर होता है, देखिए दो चीजें होती है, एक तो होती है वेलोसिटी का पहले आप मोड ले लो और उसके बाद उसका एवरेज लो, और एक होता है पहले आप इसका एवरेज ले लो उसके बाद मोड लो, दोनों में फर्क है, एक्चुअल में ये बन जाता है एवरेज स्पीड और राइट वाला बन जाता है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और हमें पता है ये टर्म तो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब उसकी टर्मोलॉजी पे जाओ, उसका पहला ऑप्शन है वी वेक्टर का एवरेज का मैग्नीट्यूड, बड़ा बोलता है वो वी एवरेज से, तो ये तो सरासर गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, उल्टा बोलता तो फिर भी मान लेते इक्वलिटी लगाता, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट दिख जाएगा आपको, इसके अंदर दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे के ऑप्शन, अब हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर चलना चालू होता है और मान लेते हैं किसी ना किसी प्रकार से उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है एवरेज वेलोसिटी मुझे जीरो मिल सकती है, चांसेस है, यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट अगर एक बार उसने चलना चालू कर दिया तो चाहे वो वहां पर आए या नहीं आए एवरेज वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, अगर एक बार उसने चलना चालू कर दिया तो, अगर चालू कर दिया तो, ठीक है ना। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं मानते हैं तो ये वाला फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता, मतलब सॉरी एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो नॉट इक्वल टू जीरो बोलना पड़ेगा। चलो नोटबुक निकालो, लास्ट टाइम पे कहां था पढ़ाया था बच्चों, हेलो ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन जस्ट वी स्टार्टेड एंड वी हैव डिस्कस द डिफरेंट रेक्टिलिनियर मोशन एंड वी अज्यूम दैट द रिजल्टेड मोशन इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू रेक्टिलिनियर मोशन, दिस वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मोर प्रॉब्लम्स, सो हियर वी आर स्टार्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, किस प्रकार के मोशन को बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, जल्दी से बताइए किस प्रकार के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, कंडीशन बताइए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हेलो अरे पढ़ के आए हो ना तो बोलो, कौन बोला देखे आज हमारे क्लास में motion. अंकिता बताओ,
अनम्यूट कर रखा है मैंने आप सभी को, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास. व्हेन एक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वाई. ओके, एनी अदर आंसर? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट शब्द को पकड़ने की कोशिश करो, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट. देखिए ज्यादातर टीचर इसको मोशन अंडर ग्रेविटी के नाम से पढ़ाते हैं, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में टू डायमेंशनल मोशन के नाम से पढ़ाते हैं, बट हम लोग पूरी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पूरी आईआईटी में प्रोजेक्टाइल मोशन के पीछे क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं. अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ, इफ मतलब जो मैं लिख रहा हूं वो आपको याद रखना है. पहला कंडीशन, इट मस्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी. पार्टिकल के पास बच्चों इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए. दिस इनिशियल वेलोसिटी शुड नॉट बी जीरो. तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना. सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल मस्ट हैव कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन. उस पूरी जर्नी में पार्टिकल के पास जो एक्सिलरेशन होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए. ये दो बेसिक कंडीशन होती है फॉर विच अ पार्टिकल इज सेट टू बी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना. अब काफी टीचर इसको बोल देते कि नहीं पैराबोलिक पाथ पर भी चलना चाहिए, तो पैराबोलिक पाथ पे जाना प्रोजेक्टाइल मोशन की कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है ना. प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक पाथ पे भी जाया जा सकता है, स्ट्रीट लाइन पर भी जाया जा सकता है. अगर आप पार्टिकल को वर्टिकली अप थ्रो करेंगे तो उस केस में उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और आप सर्टेन एंगल पे थ्रो करेंगे तो उसका पाथ शायद पैराबोलिक भी हो सकता है. अभी हम लोग चेक करते हैं डिफरेंट कंडीशन. तो दीज आर द टू बेसिक कंडीशंस, ठीक है ना. तो ये बताइए जो मैंने ऊपर दो कंडीशंस दिए, अब इसकी अगर हम लोग स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस ये होता है कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन ऑफर करती है. ग्रेविटी ऑफर्स कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन. ग्रेविटी जो हमारे को दे रही है वो कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन ऑफर करती है. अगर ग्रेविटी कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन ऑफर करेगी तो ये वाली जो कंडीशन थी ये हमें ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को मोशन कराने से मिल जाती है. इसलिए हम प्राइमरी लेवल पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वो मोशन अंडर ग्रेविटी में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो अगर मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं कि अगर हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका तो इट हैज सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी सपोज टू बी, एक मिनट बंद हो गया ये, सपोज टू बी instead of throwing up, if I throw something down the towards the center, towards the ground with certain velocity u, और तीसरे केस में मैं किसी को ड्रॉप कर देता हूं u बराबर जीरो. सभी में ध्यान रखना ग्राउंड नीचे है, सभी में ग्राउंड नीचे की तरफ बना देते हैं. और एक लास्ट केस है जिसमें हमने पार्टिकल को u की वेलोसिटी से फेंका है एट सर्टेन एंगल, ठीक है. आप ये बताइए इन चारों में से कौन सा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, चारों में से कौन सा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है? सर फोर्थ. हेलो, लास्ट वाला. एक बच्चा बोल रहा है लास्ट फोर्थ. ये कहते हैं कि पढ़ के आए होते हैं ना, गलत पढ़े होते हैं, वो दिमाग में कचरा बैठा होता है. जब तक वो कचरा नहीं निकलेगा ना आप नई चीज नहीं सीख पाओगे. मैंने जो आपको ऊपर कंडीशन दी है बेटा, उस कंडीशन से तो अगर आप देखोगे पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और पार्टिकल के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो ये वाला केस भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. हालांकि इस केस में वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये केस भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इस केस में वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा.
ये केस में इनिशियल यू जीरो है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं किया आपने, थ्रो नहीं किया इसको, थ्रो नहीं किया है, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हालांकि कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी बनेगी। और ये वाले केस में कुछ ऐसे जाएगा पार्टिकल। अब ज्यादातर टीचर के दिमाग में यही बैठा होता है कि यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। हाँ, ये हम अलग से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ये दो सिचुएशन हम पहले पढ़ चुके होते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऐसे में अगर मैं एक थर्ड कंडीशन और जोड़ देता हूं, थर्ड कंडीशन क्या है, इफ एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड a वेक्टर इज थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू, या ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं बच्चों, इज एंगल थीटा, और थीटा के बारे में बोला है कि जो थीटा बिलोंग्स टू 0 degree 180 degree। मेरे ख्याल से ये नोटेशन का मतलब सभी बच्चे समझते होंगे कि 0 degree इन्वॉल्व नहीं है, 180 degree इन्वॉल्व नहीं है, बाकी 0 से 180 के बीच का कुछ भी एंगल चलेगा। इन दिस केस ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय पार्टिकल will be a parabola। थोड़ी देर बाद हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये तीन कंडीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। हम दो कंडीशन बोल सकते हैं, बट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पैराबोलिक पाथ पर जाना है तो यू हैव टू फॉलो वन मोर कंडीशन, दैट इज अ थर्ड कंडीशन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, 2D में पढ़ रहे हैं, तो 2D में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम थर्ड कंडीशन मानकर चलेंगे, थर्ड कंडीशन लेकर चलेंगे। तो बना लीजिए सब बच्चे, फटाफट कॉपी करिए यहां तक का। कॉपी कर लीजिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी है। बट इसके पहले के हम लोगों ने दो मोशन पढ़ लिए हैं 1D में, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D पढ़ने वाले हैं। कॉपी कर लीजिए सभी बच्चों। डन हो गया पार्थ, सूर्यांश कंप्लीट है? यस सर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी सवाल हम लोग कैसे करेंगे। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ब्रेक एनी टू डायमेंशनल मोशन, ब्रेक एनी टू डायमेंशनल मोशन इनटू टू परपेंडिकुलर रेक्टिलिनियर मोशन। ये मैं आपको पहले ही लास्ट टाइम पर डिस्कस कर चुका हूं और वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, ठीक है ना। तो हम लोग कल जैसे हम लोगों ने एक सवाल देखा था कि उसमें एक्स डायरेक्शन का वाई में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, और इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन का एक्स में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछता हूं, ठीक है ना। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, बिना प्रोजेक्टाइल का कोई सवाल करा है, मैं डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा चुका हूं रेक्टिलिनियर मोशन में, उसका एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहा हूं। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, कि सपोज टू बी अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लाइक दिस, एंड इन हैंड ऑफ दिस मैन इज अ गन, ठीक है ना। आतंकवादी बनाएंगे हम इसको अभी, तो हम लोगों ने ऐसे एक गन बना दी इसके, और इसके दूसरे हाथ में हमने बम पकड़ा दिया। बम मत लो यार, बम मत लो, एक काम करते हैं पार्टिकल ले लेते हैं, इसको पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ढंग से समझना, क्या हुआ, इसने यहां से बुलेट फायर करी और बुलेट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है, लेट्स 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना।
अब सभी बच्चों को पता है कि बुलेट जैसे फायर करेंगे तो ऐसे ग्रेविटी खींचेगी 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 और ये यहाँ पे आके गिर जाती है। मान लेते हैं जगह कम थी इसलिए मुझे थोड़ा शार्प बेंड देना पड़ा उसको, ठीक है ना, नहीं तो थोड़ी सी और ज्यादा बुलेट जाती है आगे। सबको पता है बुलेट की रेंज अच्छी खासी होती है। और सवाल में था कि जिस समय उसने फायरिंग करी एट द सेम टाइम दूसरे हाथ से जो पार्टिकल था उसको छोड़ दिया, तो पार्टिकल ऐसे नीचे गिरेगा। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बोथ हैंड्स आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये चीज आप देख सकते हैं दोनों हाथ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक चीज पता करनी है, विच वन आउट ऑफ बुलेट एंड पार्टिकल, आउट ऑफ बुलेट एंड पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट इफ बोथ स्टार्ट्स टुगेदर। दोनों की जो जर्नी है एक ही टाइम पे स्टार्ट की गई है ना। ऑप्शंस दे देता हूं मैं, हर बच्चा कमेंट में अपना आंसर लिखकर बताएगा। पहले ऑप्शन में है पार्टिकल, बी ऑप्शन में बुलेट, सी ऑप्शन में बोथ, डी ऑप्शन में कांड से। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट माननी है, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। बताइए सभी बच्चे ट्राई करें इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। एक बंदा है इस प्रकार से उसने फायरिंग कर दी और जिस समय फायरिंग करी ठीक उसी समय से उसने दूसरे हाथ से एक पार्टिकल को रिलीज किया है। रिलीज किया है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। रिलीज शब्द का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। तो ये बताइए बुलेट पहले ग्राउंड को हिट करेगी या पार्टिकल पहले हिट करेगा। बहुत बेसिक सा सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्लियर ट्राई? चलो कुछ आंसर आने चालू हुए हैं। भानु का आंसर आ चुका है, और बच्चे तो सभी बच्चे ट्राई करो। सूर्यांश आंसर बताओ। सभी ट्राई करो, बहुत लॉजिकल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। लगभग सभी ने ट्राई किया है। एक बच्चे, अरे श्रेया तेरा आंसर नहीं आया, श्रेया तेरा आंसर नहीं आया अभी तक। श्रेया आंसर बता, आंसर नहीं बताओगे तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं आगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं उससे मैटर नहीं करता, आपसे सवाल बनने चाहिए। ओके चलो सभी ने ट्राई कर लिया, अब हम कोशिश करते हैं। पहले तो ये जज करो कि इनमें से कौन सा मोशन 1D का है, कौन सा मोशन 2D का है। तो काफी बच्चे समझ पाएंगे कि सर ये वाला मोशन तो 1D का है और ये वाला मोशन 2D का है। मेरे ख्याल से यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको कहा है कि कभी भी 2D मोशन की डायरेक्ट स्टडी मत करो, हमेशा स्टडी को दो रेक्टिलिनर मोशन में तोड़ने की कोशिश करो। तो रेक्टिलिनर मोशन में तोड़ने के लिए हम लोगों ने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। तो मान लेते हैं इसको पकड़ लिया एक्स डायरेक्शन और इसको पकड़ लिया वाई डायरेक्शन, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। फायरिंग बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल की गई है, फायरिंग बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, इस चीज का ध्यान रखना, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है। इसी प्रकार से इधर के लिए भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये मान लिया एक्स एक्सिस और ये बना दिया वाई एक्सिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मोशन को तोड़कर समझेंगे। तो मोशन को हम लोग बच्चों कैसे तोड़ेंगे, हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड पार्ट में स्टडी कर रहे हैं पार्टिकल की और राइट हैंड साइड में स्टडी करते हैं लेट्स बुलेट की, है ना।
पार्टिकल का भी हम मोशन तोड़ देते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन, बुलेट का भी मोशन तोड़ देते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन, दोनों मोशन को हमने तोड़ दिया है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखिए। इतना तो सभी को पता होगा कि पार्टिकल जब छोड़ा गया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा। ये लाइन सबको समझ में आई बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा। बुलेट का एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, देख सकते हैं आप आगे की तरफ 100 मीटर पर सेकंड है, बट बुलेट की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है जीरो, वाई डायरेक्शन में बुलेट की वेलोसिटी है जीरो। क्यों? क्योंकि वाई कंपोनेंट जीरो है, सारा का सारा हॉरिजॉन्टल था। अब जैसे जैसे पार्टिकल अंडर ग्रेविटी आएगा तो सबको पता है इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो एक्स डायरेक्शन में तो अभी भी कंपोनेंट जीरो आएगा और वाई डायरेक्शन में माइनस जी आएगा। कंपोनेंट लेना लास्ट पे सिखा दिया था, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कि सर ए एक्स जीरो कैसे रखा। ए एक्स जीरो ऐसे रखा है बेटा, एक वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट जीरो आएगा, तो एक्स डायरेक्शन में जी का इफेक्ट जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब बुलेट के ऊपर आते हैं, जब बुलेट ऐसे चलती भी आ रही होगी किसी भी समय अगर आप देखेंगे तो बुलेट के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में इस पर भी ग्रेविटी लग रही है जी नॉमवर्ड, तो आप लिखेंगे कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो बुलेट पर भी जीरो है और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, पता नहीं यहां थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, बार बार बंद हो रहा है ये, और इसी प्रकार से अगर आपके पास ऊपर डायग्राम है तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो जीरो है और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट है माइनस जी। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए जब ये बुलेट यहां से फायर की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसने ये ब्लैक कलर की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया और ये यहां कहीं हिट कर रही है। अब मैं आपसे पूछे इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप बोलेंगे सर बहुत सीधी सी बात है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला, ठीक है ना, बहुत सीधी सी बात है, आप इसका डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे ये वाला, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं बच्चों आप इसका डिस्प्लेसमेंट मत बताओ मुझे, आप मुझे इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कल मैंने समझाया था कि आप इसको ऐसे समझिए दो मोशन का पार्टिकल समझिए, एक पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल फेंका गया विद कांस्टेंट स्पीड और एक पार्टिकल थ्रोन कर गया, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा ये वाला आएगा। मान लेते हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था तो ये कैपिटल एस था, ये मान लेते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि बताओ एक्स डायरेक्शन में जो बुलेट है, ये जो बुलेट है इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जब जो ग्राउंड को हिट करेगी तो ये बिल्कुल सीधा नीचे जा रही है, हॉरिजॉन्टल ही नहीं जा पा रही है, तो एक्स डायरेक्शन में बुलेट का डिस्प्लेसमेंट है जीरो बट वाई डायरेक्शन में बुलेट का डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच। माइनस एच सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया। इसी प्रकार से बच्चों बताइए एक्स डायरेक्शन में बुलेट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है और वाई डायरेक्शन में कितना हो सकता है। अब हमें दिख रहा है कि यार बुलेट का डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई दोनों में ही है, देखो ये तो हो गया वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो बुलेट के पास कुछ ना कुछ है, कितना है पता नहीं है, कुछ ना कुछ है इतना पता है, कुछ ना कुछ है, बट वाई डायरेक्शन में तो कन्फर्म है माइनस एच है, वाई में कन्फर्म है माइनस एच है। अब आप देखिए पार्टिकल का वाई डायरेक्शन का मोशन और बुलेट का वाई डायरेक्शन का मोशन दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। तो अगर आप s बराबर ut plus half at square y डायरेक्शन में लगा दोगे, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि टाइम चाहे x से निकालो या y से निकालो टाइम तो कॉमन ही होगा, तो इसका मतलब जितना टाइम पार्टिकल को लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, जितना टाइम पार्टिकल को लगेगा ग्राउंड को हिट करने में उतना ही टाइम बुलेट को भी लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, क्योंकि ग्राउंड हॉरिजॉन्टल चलने से नहीं आएगा, ग्राउंड वर्टिकल चलने से आएगा, वर्टिकली डाउन चलोगे तब जाकर ग्राउंड मिलेगा, और वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में
दोनों ही पार्टिकल का मोशन आइडेंटिकल है। तो आप समझिए बच्चों कि हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल में बुलेट ऐसे गई थी और टू डायमेंशनल में प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई ग्राउंड के ऊपर गिर रही थी। तो हम इस मोशन को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने यहां से हम दो मोशन हमेशा मानते हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे दो मोशन का कॉम्बिनेशन मानेंगे कि दो मोशन तो हो गया कि एक पार्टिकल जिसको यू बराबर जीरो से छोड़ा और वो पार्टिकल सीधा नीचे गिरेगा, और एक दूसरा पार्टिकल जिसको आपने हॉरिजॉन्टल कोई वेलोसिटी दे दी 100 मीटर पर सेकंड की और उसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी केवल इस पार्टिकल पे लग रही है। तो एक पार्टिकल ये वाला हो गया जो ऐसे जा रहा होगा, एक पार्टिकल जो नीचे आ रहा है ऐसा हो गया, और इन दोनों का सुपर पोजिशन कर दो तो जिस समय बुलेट यहाँ पे होगी हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ होगा, वर्टिकल वाला यहाँ होगा। जिस समय बुलेट यहाँ पर होगी हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ होगा, वर्टिकल वाला यहाँ होगा। जिस समय बुलेट यहाँ होगी हॉरिजॉन्टल वाला इस जगह होगा और वर्टिकल वाला इस जगह होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें हर मोशन ऑफ 2D को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़कर समझना है। फटाफट कॉपी करो बच्चों। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को? इसमें आज कॉपी करिए फटाफट। अच्छा बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको टाइम टेबल क्या होता है आर्य सर के नाम से मिलता है ना, रवि सर के नाम से नहीं मिलता, आर्य सर के नाम से मिलता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अभी जो मेरा पीसी है मैंने उसका नाम PRA लिख दिया है। तो आइंदा फ्यूचर में जब भी आप कोई कमेंट करे, चैटिंग करते हैं, तो PRA पर करना, लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। पूरा लिख लीजिए फटाफट। ओके डन, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है श्रेया, समझ में आ गया तुम्हें आंसर? पहले तुमने गलत आंसर दिया था। चलो अब हम प्राइमरी लेवल के जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो क्या होता है, जिसमें हम एक ग्राउंड लेते हैं, लिख लेना चाहो तो स्टैंडर्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहला मोशन हम लोग लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टैंडर्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा दी, ठीक है ना, अभी ग्राउंड से हम लोग फेंक रहे हैं, फ्यूचर में हम टावर से भी फेंकेंगे। एंड यू प्रोजेक्ट अ पार्टिकल विद सर्टेन स्पीड यू at an angle theta, be careful this theta is given with horizontal. कभी-कभी examiner आपको confuse करने के लिए vertical के साथ भी दे सकता है। अब सभी बच्चों को पता है कि यार ये motion तो कुछ ऐसा होगा जिसमें particle ऐसे जाएगा, और देखा भी होगा सभी ने कि ऐसे under gravity गिर जाएगा, ठीक है ना। This is the trajectory of the main particle. अब जैसे हम लोगों को यहां पर सबसे पहले बच्चों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा मोशन को तोड़ने के लिए। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो पार्थ? यस सर। ठीक है अंकिता, भानु, आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस सर। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है जो पढ़ाया है? हेलो, अरे तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, इसका मतलब यही समझ जाएगा कि डाउट है। हेलो, ये तुम सेल्फ अनम्यूट हो जा, बार बार म्यूट हो रहे हो क्या सेल्फ? हाँ मैंने वापस अनम्यूट किया।
हेलो यस सर। हाँ आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस सर। किसी को डाउट है कुछ? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि हर टू डायमेंशनल मोशन को दो रेक्टिलिनियर मोशन में तोड़ेंगे तो उसके लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बच्चों आप मुझे सजेस्ट करोगे कि एक्स किधर ले और वाई किधर ले? हेलो बताओ बच्चों एक्स डायरेक्शन किधर लेंगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वाई किधर लेंगे? वर्टिकल। क्यों लेंगे ऐसा? कैसे तेने कैसे सोचा कि हॉरिजॉन्टल एक्स लेना चाहिए? सोच दिमाग थोड़ा। देख आईआईटी पढ़ाने से नहीं होती, आईआईटी पढ़ने से होती है, इस चीज का ध्यान रखना। थीटा एंगल उसी के साथ बन रहा है। थीटा एंगल, वेरी गुड। चलो और कोई बच्चा है जो मुझे आंसर देगा कि हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल लेंगे? देखो अगर एक एक्सिस आपने हॉरिजॉन्टल लेनी तो दूसरी ऑटोमेटिक वर्टिकल बनी जाएगी, तो उसमें तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। मेरा सवाल है कि आपने हॉरिजॉन्टल ही क्यों ली? तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यही सबसे बड़ी गलती होती है जो एक बड़ा सा बड़ा टीचर भी करता है, बिना सोचे समझे एक्स और वाई एक्सिस बना देता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले सवाल पढ़ना है। कारण यह है कि किसी भी वेक्टर के किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट किए जा सकते हैं, किसी भी वेक्टर के किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट किए जा सकते हैं। किस डायरेक्शन में करना है ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या पूछा है मैंने? फॉर गिवन मोशन फाइंड, जैसे मैंने पूछा मैक्सिमम हाइट, ये चीज मैंने आपसे पूछी। अब सबसे पहले मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो सबसे पहले सोचो कि इस पूरी पिक्चर में वो क्या होगा। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा पूरी पिक्चर में ये चीज पूछी जा रही है। अब मैं देख रहा हूं कि यार जो डाटा मुझसे पूछा जाने वाला है वो वर्टिकल डायरेक्शन वाला है। कौन सी डायरेक्शन का है? वर्टिकल डायरेक्शन का है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन मेरे काम की है, और जब मेरे काम की है तो 99% केसेस में जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा, 99% केसेस में जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा आप उसको ओरिजिन मान लेना। ओरिजिन मानते हुए हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई का ऐसे भी बन सकता था, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई का ऐसे भी बन सकता था, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई का ऐसे भी बन सकता था, कैसा भी बन सकता था, ये डिपेंड करता है हमको पूछा क्या गया है। क्योंकि मुझे वर्टिकल का कोई डाटा पूछा गया था तो मैंने एक एक्सिस वर्टिकल मान ली, और जब एक एक्सिस वर्टिकल हो चुकी तो बाय डिफॉल्ट दूसरी एक्सिस हॉरिजॉन्टल में जाएगी ही जाएगी, तो ये मान ली मैंने एक्स। तो पहले से मत मान लेना, हमेशा सबसे पहले बच्चे ऐसे बना लेते, ये गलत है। सवाल पढ़ना उसके बाद एक्सिस डिसाइड करना, बहुत छोटी छोटी बारीकियां है बेटा। आईआईटी क्लियर करने के लिए बहुत छोटी छोटी बारीकियों पे हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। हमने वाई और एक्स किस प्रकार से एक्सिस बना दी, किसी को डाउट है यहां तक? आगे बढ़ते। अब जैसा कि आपको पता है कि हम इस मोशन को तोड़ेंगे और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन में तोड़ेंगे, तो एक मोशन तो हो गया हमारे पास वाई एक्सिस वाला मोशन, ठीक है ना। एक मोशन तो हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस वाला मोशन, जिसको मैं यहीं पर शो कर देता हूं, नीचे की तरफ शो करता हूं। इसके लिए आप क्या करेंगे, मोशन को तोड़ लेंगे, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन और मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? हेलो बोलो बच्चों। वाई डायरेक्शन में बताओ, वाई डायरेक्शन में मैं आप लोगों को सेल्फ अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, आप जब भी अपने आप को चाहे म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, है ना। और जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। दीवारों को पढ़ाने में मजा नहीं आता मुझे। हेलो, अरे कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करो ना, बोलने का पैसा नहीं लगता है, और जितना बोलोगे उतना ही पैसा कमाओगे, ध्यान रखना। जितना अच्छा बोलोगे, जितना सही बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज से ज्यादा ज्यादा आपके अंदर स्पीकिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए,
उतना ही आप अपना समाज में नाम करोगे, उतना ही विश्व में ऊपर अपना नाम लेके जाओगे। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, हम लोगों ने यहां पर मोशन को तोड़ दिया। अब जल्दी से बताइए, जो पार्टिकल थ्रोन किया गया था उसका एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में बताओ, यू साइन थीटा। मतलब मैंने क्या करा, दो वर्चुअल पार्टिकल बना लिए, एक पार्टिकल जिसको मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वर्टिकली हमने u sin थीटा से फेंक दिया बच्चों, u sin थीटा से फेंका हुआ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी जो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाता है ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा पार्टिकल देखें x वाला, कि दूसरा पार्टिकल है x डायरेक्शन वाला जो ऐसे चल रहा है, जिसकी शेडो भी बोल सकते हो आप इसको, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चल रही है सीधी की सीधी, ऐसे शेडो चल रही है, ठीक है ना, ऐसे जा रही है। अच्छा, ग्रीन वाला मोशन कब तक कंटिन्यूस रहेगा? बोलो एक्स, बताओ एक्स। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, का मतलब जैसे अंडर ग्रेविटी आएगा पार्टिकल तो आपको सबको पता है जी डाउनवर्ड लगेगा। इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट बताइए बच्चों, जीरो। वाई डायरेक्शन में बताइए, माइनस जी। माइनस जी। हेलो, एक ही बच्चा है क्या? शिया, सूर्यांश, माइनस जी हो गया। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ग्रीन वाले के पास जो है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली चलाया है एक्स डायरेक्शन में चलाया, उसके पास तो कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो क्या वो जिंदगी भर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा क्या? जिंदगी भर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाएगा। उसका मोशन उस मोमेंट पर खत्म होता हुआ माना जाएगा जिस मोमेंट पर ब्लू वाला वापस ग्राउंड को हिट करेगा। तो जिस समय ब्लू वाले ने वापस ग्राउंड को हिट किया उस समय रिजल्टेंट मोशन खत्म हो जाएगा। और देखिए, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट ट्रेजेक्ट्री में रेड कलर से शो करता हूं तो ये रिजल्टेंट ट्रेजेक्ट्री आ गई। अब समझना बच्चों, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कोई पूछे कि इस समय जो ओरिजिनल पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बताओ, तो इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये ब्लू वाला बोल देगा, क्योंकि ब्लू वाला उसका वाई रिप्रेजेंटेटिव है। कोई पूछे कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बताओ जो हम लोगों ने कल किया था, तो ये ग्रीन वाला बोल देगा, ठीक है ना। टाइम ऑफ मोशन दोनों का ही कॉमन है। फटाफट कॉपी कर लो सभी बच्चे, यहां तक फटाफट कॉपी करो। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूं और सभी का आंसर आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा किसी का भी आंसर, आपको ही सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स डायरेक्शन का कोई वेक्टर पैरामीटर वाई में आपकी मदद नहीं कर सकता, वाई डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर पैरामीटर एक्स में आपकी मदद नहीं कर सकता। टाइम स्केलर होता है जो दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों भी बोले तो तीनों भी बोल सकते हैं। तीन पार्टिकल है एक्चुअल में यहां पर, ग्रीन, रेड और ब्लू। ओरिजिनल पार्टिकल रेड वाला था जिसके दो वर्चुअल पार्टिकल बना लिए हम लोगों ने, ग्रीन और ब्लू। चलिए, अब मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछा। पहला सवाल, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय पार्टिकल। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय पार्टिकल कैसे सॉल्व करें? पहले तो ये बताओ, वाई डायरेक्शन वाला ये आंसर देगा या एक्स वाला देगा? वाई। देखो, ब्लू वाले की जितनी हाइट है उतनी ही तो ओरिजिनल पार्टिकल की भी हाइट है। हेलो, तो हम पार्टिकल का वाई डायरेक्शन का मोशन देखेंगे और वाई डायरेक्शन ने कितनी हाइट निकाली, कितनी हाइट गेन करी वो दे देंगे। और वाई वाला मोशन तो 1D का मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी लास्ट टाइम पे पढ़ाया था आप लोगों को। तो बताइए कौन सी इक्वेशन लिखूं कि आंसर आ जाए? हाइट चाहिए मुझे मोशन की। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाय चांस यहां पर जो अपनी तीनों इक्वेशन की मोशन की इक्वेशन होती है, s बराबर ut, v बराबर ut, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, वो तीनों इक्वेशन लग जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, पार्थ ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, आंसर आ जाएगा। बट ये बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो बच्चों आप लोग इक्वेशन? ये ओरिजिनल पार्टिकल पे लगा रहे हो या ब्लू वाले पे लगा रहे हो? वाई में लगा रहे हो। वेरी गुड,
तो जब वाई में लगा रहे तो उस चीज को नोटिफाई करो ना यहाँ पर लगाकर, नीचे सब जगह क्या लगा दो, वाई वाई वाई, ताकि ये क्लियर हो जाए, ताकि क्लियर हो जाए कि हम ये इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं। अब मुझे बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, तो हमने वीवाई स्क्वायर को जीरो डाल दिया। अच्छा यूवाई स्क्वायर बताओ कितना था बच्चों, चलो यूवाई रखते हैं अभी, टू इंटू ए वाई इंटू मोड ऑफ एस वाई को एच बोल दिया, तो एच का वैल्यू बताओ कितना आ गया बच्चों, पता नहीं आज टेप में क्या दिक्कत हो रही है यार, हाँ स्क्रीन दिख रही है बच्चों वापिस आपको, तो हमने ये y डायरेक्शन में लगा दिया तो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर बराबर uy था आपके पास u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था माइनस का g और sy बन जाएगा h, तो h का वैल्यू आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलो बच्चों सेकंड सवाल का आंसर बताओ, फाइंड टाइम ऑफ मोशन, सभी बच्चे टाइम ऑफ मोशन निकालेंगे, मैं नहीं बताऊंगा आप लोग ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो जो आप बताएंगे चैटिंग में लिखेंगे मैं उसको यहाँ पे कॉपी करूंगा। टाइम ऑफ मोशन बताइए किससे निकालें, ब्लू वाले से निकालें या ग्रीन वाले से निकालें, वाई डायरेक्शन से निकालें एक्स डायरेक्शन से निकालेंगे, जल्दी बोलो भानु, तेरा आंसर नहीं आ रहा, तेरे से चाहिए मुझे आंसर भानु। सर टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो निकालें किससे, सेम तो है तेरी बात सही है बट निकालेंगे किससे, अब आंसर उससे निकालेंगे ना जिसके ऊपर कंडीशन पता हो, कोई कंडीशन लगा सके, सोचो। हेलो सूर्यांश, आंसर बताओ फटाफट यार, ब्लू वाले से निकालेंगे या ग्रीन वाले से निकालेंगे, एक्स वाले से निकालेंगे या वाइट वाले से निकालेंगे, जल्दी बोलो। मैंने अनम्यूट कर रखा है सबको, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे जब तक आप आंसर नहीं दोगे। सर वाई वाले से, वाई वाले से क्यों, सही आंसर है वाई वाले से निकालेंगे, बट वाई वाले से क्यों निकाला, क्योंकि वाई वाले का मुझे पता है, वाई वाला जब ऊपर जा रहा था उसके बाद जब ये जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा तो टाइम ऑफ मोशन खत्म हो चुका होगा, इसका मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मुझे जीरो दिख रहा है, तो ध्यान रखना बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वहां से निकालते जहां पर मुझे कोई कंडीशन पता हो, तो वाई वाले की कंडीशन थी, एक्स वाले की कंडीशन ही नहीं पता थी, एक्स के पास तो एक्सीलरेशन जीरो था तो वो तो चलता जा रहा था कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, उसका मोशन उस समय खत्म होगा जब वाई वाला वापस ग्राउंड पर आ चुका है, तो बताओ इसको हमने कितने की स्पीड से फेंका था, u sin थीटा, कितने की स्पीड से वापस आ जाएगा u sin थीटा, ये मैंने आपको एक पढ़ाया था कि हर वो मोशन उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है जहां उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो सिमेट्रिक का यूज करके हमने बिना कैलकुलेशन करें, अब मैं v बराबर u प्लस at लगा रहा हूं, तो माइनस का v इज इक्वल टू u प्लस at, कौन सी डायरेक्शन में, y में लगा दिया, t के नीचे y मत लगाना, t के नीचे y मत लगाना क्योंकि वो तो कॉमन है, तो बन जाएगा माइनस का u sin थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा, एक्सीलरेशन था माइनस का g इनटू t, t सॉल्व कर लो यू विल गेट आंसर। अगर कोई बच्चा चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये y डायरेक्शन में लगा देता, y डायरेक्शन में लगा देता, डिस्प्लेसमेंट को वो जीरो डाल देता, u sin थीटा कर देता, इनटू समय कर देता, हाफ एक्सीलरेशन था, इसको सॉल्व कर लेना टाइम आ जाएगा, ठीक है उतार लीजिए फटाफट, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बच्चों। कुल मिलाकर कोई सा भी प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए आपको उसको दो पार्ट में तोड़ना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, वो तीन मोशन की इक्वेशन से पूरा चैप्टर हो जाएगा, एक फॉर्मूला नहीं रटना आपको,
रटना हो तो स्पीड बढ़ाने के लिए रटना, मुझे भी रटे हुए, मैं स्पीड रटता हूं क्योंकि 5 सेकंड में 10 सेकंड में होने वाला सवाल 2-3 सेकंड में कर दूं, समय बचाना हमारी प्रायोरिटी होता है पेपर के अंदर। और रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप 50, 100, 200 सवाल करोगे तो अपने आप छोटे छोटे फॉर्मूले तो अपने आप मेमोरी में बैठ जाते हैं। बट फॉर्मूले रट के कोई सवाल मत करना, मैं फिर बता रहा हूं, आप IIT एडवांस निकालने वाले हो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चलिए बच्चों, मैंने आपसे तीसरा सवाल पूछा, टेल मी रेंज। अब देखो रेंज का क्या मतलब होता है, इसको आप यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज होता है क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज, जहां से हमने इसको फेंका, दिख रहा होगा सब बच्चों को यहां से, और जहां पे इसने दोबारा ग्राउंड को लैंड किया, जहां पे ग्राउंड को हिट किया, तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसको हम साइंस में हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। अब सबसे पहले बताइए, ये हॉरिजॉन्टल रेंज एक टाइम का पैरामीटर है या वेलोसिटी का पैरामीटर या डिस्प्लेसमेंट का पैरामीटर है, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट का है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब सवाल ये कि ये एक्स डायरेक्शन से निकलेगा या वाई डायरेक्शन से निकलेगा? देखो ना, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स में आ रहा है या वाई में आ रहा है? हेलो, एक्स में आ रहा है, वेरी गुड। तो एक्स डायरेक्शन में केवल ये आगे वाला तो हमने मोशन हटा ही दिया ग्रीन वाले का, हमें केवल ये ग्रीन वाला कितना चला है वो पता करना है। अच्छा, ग्रीन वाला तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और उतने टाइम तक चल रहा है जितना ब्लू वाला ग्राउंड को हिट करता है, तो इसका मतलब टाइम हमने वहां से ले लिया और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स का वैल्यू हम रेंज डाल देंगे, अगर हम रेंज डालते हैं तो एक्स डैश में यू कॉस थीटा इंटू टी आ जाएगा, प्लस का हाफ एक्सिलरेशन तो जीरो था इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हम रेंज का फॉर्मूला देख लेंगे, यू कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले निकला था 2u sin थीटा / g। दिस इज द रेंज, डू नॉट रिमेंबर इट डायरेक्टली, आप इसका प्रोसीजर जरूर ध्यान रखना क्योंकि मैं फ्यूचर में टफ सवाल कराऊंगा, ये तो बिल्कुल बच्चों लेवल का सवाल है, ये तो बोर्ड पढ़ाने वाले को भी आ जाएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत खतरनाक चीज नहीं पढ़ा रहा, बोर्ड पढ़ाता हुआ उसको भी आ जाएगा ये, बट उसको वो प्रोसीजर नहीं आएगा जो मैं यूज कर रहा हूँ, मोशन को तोड़ना। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों जल्दी से, मैंने फोर्थ पॉइंट आपसे पूछा, कैन यू राइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी किसी भी जनरल टी टाइम पर मैंने आपसे उस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी, कौन से पार्टिकल की, ध्यान रखना ये वाला पार्टिकल था ओरिजिनल पार्टिकल, तो यही पूछ रहा हूं मैं, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा हूं आपसे वीपी। तो जब वीपी पूछेंगे तो वीपी का आपको एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और वीपी का आपको वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट तो एक्स वाला मोशन दे देगा यानी ग्रीन वाला, और वाई कंपोनेंट आपको ब्लू वाला दे देगा। तो जो वेलोसिटी बनेगी इसकी किसी भी टी टाइम पर वो बन जाएगी वी एक्स आई के vy jk vx ik। अब देखिए बच्चों, मैं इसको डायग्राम से भी समझाता हूं, ऐसे हम लोगों ने फेंका था इसको, ये कुछ इस प्रकार से गया था। ठीक है, यहां पर फेंकते समय इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में थी u sin थीटा। y डायरेक्शन में तो बच्चों ग्रेविटी इस पर काम कर रही है, तो y में तो इसकी स्पीड पहले कम होगी और फिर बढ़ेगी, ठीक है ना। बट x में तो थ्रू आउट मोशन इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। हर पॉइंट पर यह कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ आप, इवन जब ये हिट कर रहा होगा ना उसी लेवल पे ग्राउंड पर, तो भी ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। और रही बात y कंपोनेंट की, तो y कंपोनेंट पहले थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां ये लगभग जीरो हो जाएगा, ये वापस बढ़ना चालू होगा, इस समय सिमेट्री से ये वापस u sin थीटा से हिट करेगा। तो हमसे किसी भी जनरल टाइम पे पूछा जा रहा था, तो आंसर हो जाएगा, ये जनरल टाइम मान लेते हैं, तो vp x कंपोनेंट तो u cos थीटा है, और y कंपोनेंट बताओ कैसे निकलेगा, uy प्लस ए वाई इंटू टी जे के, ये वाई कंपोनेंट निकाल दिया, फटाफट लिख दो वाई कंपोनेंट।
एस में हाँ कर लीजिए फटाफट कॉपी करिए इसको u cos थीटा ik माइनस फटाफट कॉपी करिए एक मिनट इसमें पता नहीं आज प्रॉब्लम आ रही है बार बार ही ओके यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के लिख लो बच्चों फटाफट अब मैं न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं आप लोगों से सभी ट्राई करिए उस न्यूमेरिकल को लिख लिया सभी ने चलो एक न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं बच्चों इसका आंसर देने की कोशिश करिए एग्जांपल देखिए बच्चों ये दो पार्टिकल हैं वन इज थ्रोन विद स्पीड 16 विद 30 डिग्री दूसरे को टैन विद 37 डिग्री आपको क्या करना है फ्यू ऑप्शंस आर गिवन पहला ऑप्शन क्योंकि बच्चों थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज बार बार स्क्रीन ऑफ हो रही है ठीक है इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ये ऑप्शंस कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं फटाफट आपको चेक करना है नोटेशन सारे स्टैंडर्ड है रेंज आर मतलब रेंज है ना आपको समय सीमा है 30 सेकंड 30 सेकंड के अंदर ये सवाल सॉल्व करना है आपकी समय सीमा चालू हो चुकी है 30 सेकंड के अंदर सभी को सॉल्व करना है 30 सेकंड में तो बड़े बड़े टीचर नहीं सॉल्व कर पाते आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है 30 सेकंड अभी तो मैंने स्टॉप वॉच भी चालू नहीं करी स्टॉप वॉच चालू करेंगे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30 हो गए भैया 30 सेकंड सभी के पूरे 30 सेकंड सभी के पूरे हो गए 30 सेकंड सभी के पूरे हो गए कितने बच्चों ने इसका होमवर्क निकाला इसका आंसर निकाला कितने बच्चों ने निकाल दिया 30 सेकंड में इसका आंसर एक भी बच्चा नहीं कर पाया यही तो आईआईटी होती है बच्चों मैंने आपको लग रहा होगा सर 30 सेकंड तो बहुत कम समय दिया है 30 सेकंड मैंने आपको बहुत ज्यादा समय दिया है 15 सेकंड भी नहीं चाहिए इसके आंसर को निकालने के लिए देखो अब जो बच्चा ऐसे सॉल्यूशन निकालने लग गया सर हाइट का फॉर्मूला आपने दिया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई टू थ्री टाइम का फॉर्मूला टू यू साइन थीटा बाई जी अरे तुम क्या बहुत सारे टीचर भी ऐसे निकालेंगे
तो बेटा फिर तो इसको 30 सेकंड क्या ये 3-4 मिनट खा जाएगा, 3-4 मिनट खा जाएगा ये सवाल। बट इसने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, वो बच्चे को लगेगा सर 15 सेकंड तो मोर देन सफिशियंट है, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं है सवाल ये। चलो मैं करके बताता हूँ आपको, ये एक सवाल करते हैं उसके बाद हम थोड़ी देर स्क्रीन को बंद करेंगे क्योंकि ये बार बार ऑन ऑफ हो रही है आज स्क्रीन, तो इसको रिबूट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना। तो ये सवाल का तो चलो मैं सोल्यूशन देके जाता हूँ आपको। देखिए करना क्या है बच्चों, आपको इतना तो पता है कि जो रेंज होती है वो हॉरिजॉन्टल से निकलेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट वर्टिकल से निकलेगा। जल्दी से देखकर बताओ, अब कंपोनेंट करना मैं नहीं मानता किसी बच्चे को टाइम लगेगा, इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा 8 सवाल में एक मिनट करेक्शन कर लो, ये 53 कर लेना एंगल, 53 एंगल कर लो, 53 एंगल कर लो, मैं सभी को समय दे रहा हूं, थोड़ा सा वो एंगल गलत दिख गया था मैंने, 53 ले लो, 53 से थोड़ी सी सही रहेगा। समय देता हूं वापस मैं आपको, हिंट भी दे दिया हालांकि मैंने, आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले स्क्रीन बड़ी प्रॉब्लम कर रही है आज, इसका एक कंपोनेंट इधर लोगे तो 8 आ जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो 8√3 आ जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो आप 6 आ जाएगा। कंपोनेंट लेने का काम हार्डली आपको ज्यादा ज्यादा 4 या 5 सेकंड लगते हैं कंपोनेंट लेने में, और जैसे आप लोगों ने कंपोनेंट लिया तो आपने देखा कि सर दोनों का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट सेम आ गया, आ गया। और वाई डायरेक्शन का अगर कंपोनेंट सेम आ गया तो वाई के सारे पैरामीटर सेम आएंगे, और जब वाई के सारे पैरामीटर सेम आएंगे तो आपने तुरंत ही कर दिया एच ए बराबर एच यू, क्यों, क्योंकि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन से निकाली गई थी। अब आती है बात रेंज की, जब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो रेंज होता था टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8√3 वाले का बड़ा है, इसका मतलब आर ए ग्रेटर देन आर बी आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था बच्चों। बट इस चीज को समझो कि किसी भी 2-डायमेंशनल मोशन के सवाल को हमें 2 रेक्टिलिनियर मोशन में आपको तोड़कर समझना है। चलिए कॉपी कर लीजिए, अब थोड़ी देर के लिए हम स्क्रीन बंद कर रहे हैं क्योंकि ये स्विच ऑफ हो रही है, इसको मैं रिबूट कर रहा हूं एक बार, और रिबूट करने के बाद दोबारा चालू करते हैं। कॉपी कर लीजिए, अरे ये मैं स्क्रीन बूट आउट कर रहा हूँ, इसको रिबूट कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए बंद कर दीजिए फेसबुक लाइव को। हाँ क्योंकि इसमें आज क्या है थोड़ा सा आईपैड प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है ये। अच्छा रिबूट कर लेता हूँ मैं इसको।